नमस्कार दोस्तों, ओपन आई एस में आपका स्वागत है। टेक्निकल सीरीज के इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में देखेंगे, प्रेजेंटेड बाय मनीष रंजन। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि ये कोई फैक्चुअल वीडियोज़ नहीं है, ये एक कंसेप्चुअल वीडियोज़ है, टेक्निकल चीज़ें हैं। इसमें आपको समझना पड़ेगा, एक एक चीज़ समझना पड़ेगा, और अगर वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको नहीं समझ में आने वाला है, कुछ भी चीज़ें नहीं समझ में आने वाला है। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिकल मोटर के बारे में पढ़ चुके थे। इलेक्ट्रिकल मोटर जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेज है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है बाय मीन्स ऑफ फैराडे लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ फैराडे लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल एंड लेफ्ट हैंड रूल जो कि इलेक्ट्रिक मोटर से रिलेटेड है, और राइट हैंड रूल जो कि इलेक्ट्रिकल जनरेटर से रिलेटेड है। तो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है उसी के बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या है और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ कंडक्टर क्या है, रोटेशन। इलेक्ट्रिक मोटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसको समझने के लिए ये डायग्राम आपको समझना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक एन एस मैग्नेट है, फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से लेफ्ट टू राइट, एक कंडक्टर प्लेस कर दिया गया है इस तरीके से, और स्लिप रिंग्स और ब्रशेस के थ्रू एक डीसी सप्लाई दे दिया गया है। जब हम करंट को फ्लो कराते हैं तो ये करंट का डायरेक्शन इस तरीके से, और ये रिटर्न होकर इस तरीके से ये डीसी में बैटरी में चला जाता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, किस लिए, टॉर्क को जानने के लिए। ये फ्लक्स का डायरेक्शन ऊपर में देखेंगे इस तरीके, ये ऊपर में इसका हो गया करंट का डायरेक्शन, तो नीचे साइड में इसका फोर्स का डायरेक्शन होगा। ये नीचे साइड में ये कंडक्टर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा, और या इस पोजीशन के लिए अगर हम आप बनाएंगे तो फील्ड तो यही है, करंट का डायरेक्शन नीचे हो गया तो फोर्स का डायरेक्शन ऊपर हो जाएगा, यानी ये यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाएगा। जब एक कंडक्टर के ऊपर दोनों एज पे अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाए तो इस कंडीशन से इस कंडक्टर के ऊपर टॉर्क जनरेट होता है, जिस कारण से ये ऐसे रोटेटरी मोशन करता है। ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल किसी भी इलेक्ट्रिक मोटर का होता है। नेक्स्ट हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर के टाइप्स के बारे में जानेंगे, कितने तरह के होते हैं, जैसे डीसी मोटर, एसी मोटर। एसी मोटर में अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं, सिंक्रोनस मोटर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग इंडक्शन मोटर में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने सिंक्रोनस मोटर का वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, फ्लैश हो रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। स्टार्ट करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जैसा कि आप पिक्चर में देखेंगे तो इस तरीके से ये दिखेगा। अब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है क्या, यह एक असिंक्रोनस मोटर है, यानी इसका मतलब यह है कि यह सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं मूव करता है। नेक्स्ट, इसको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है वो सिंगल फेज अल्टरनेटिंग करंट जो स्टेटर में यूज किया जाता है, इसलिए इसको सिंगल फेज। अगर थ्री फेज हम लोग यूज कर देंगे इनपुट करंट इलेक्ट्रिकल सप्लाई, तो ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर बन जाएगा। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और थ्री फेज इंडक्शन मोटर के प्रिंसिपल में थोड़ा सा डिफरेंस है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का यूज मैक्सिमम होता है हमारे होम अप्लायंसेस में, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन, इसका जो डिज़ाइन होता है काफ़ी सिंपल होता है, कॉस्ट काफ़ी कम होता है, रिलायबल होता है, रिपेयर करना काफ़ी आसान होता है, मेंटेनेंस ईजी होता है। इस कारण से इसका इस्तेमाल फैंस में, वॉशिंग मशीन्स में, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में, ब्लोअर्स में, वैक्यूम क्लीनर्स में, जितने भी रोटेटरी मोशन होती है जो डोमेस्टिक अप्लायंसेज होती है, क्योंकि डोमेस्टिक अप्लायंसेज सिंगल फेज अल्टरनेटिव एसी सप्लाई होता है, तो इस कारण से ऐसे डोमेस्टिक अप्लायंसेज में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके कंपोनेंट्स के ऊपर देखते हैं, यानी कंस्ट्रक्शन के ऊपर देखते हैं। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में मेनली दो चीज़ें होती है, एक स्टेटर और एक रोटर। अब फिगर को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये पार्ट इसका स्टेटर है, ये जो कंसेंट्रिक कॉइल के रूप में वाइंडिंग किया हुआ रहता है, और ये जो लंबा सा पार्ट है ये है रोटर। तो मोटर में, इंडक्शन मोटर में मेनली दो पार्ट होते हैं, स्टेटर एंड रोटर, उसके अलावा एक वाइंडिंग भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो स्टेटर के बारे में लोग जानते हैं, स्टेटर जो होता है वो जनरली स्टेशनरी पार्ट होता है मोटर का, जिसमें हम लोग सिंगल फेज एसी सप्लाई को देते हैं, जिसका कनेक्शन, यानी कनेक्शन सिंगल फेज एसी सप्लाई से स्टेटर का होता है। अब इस स्टेटर में, चलिए रोटर देखते हैं। रोटर क्या होता है, वो रोटेटिंग पार्ट होता है। स्टेटर फिक्स होता है बॉडी के फ्रेम के साथ, और रोटर रोटेट करता है जो कि मैकेनिकल लोड से कनेक्टेड होता है। आप इधर से देखेंगे कि ये मैकेनिकल शाफ्ट जो लगा है ना, इसी से लोड कनेक्टेड रहता है। आखिर मोटर का काम क्या है, रोटेटरी मोशन देना, घुमाना, तो इसलिए ये मैकेनिकल शाफ्ट के थ्रू मैकेनिकल लोड से, मोटर शाफ्ट के थ्रू मैकेनिकल लोड से कनेक्टेड होता है। रोटर का जो शेप होता है वो स्क्वायरल केक की तरह होता है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये एक स्क्वायरल केक की तरह होता है, यानी ये ऐसा और ये नीचे ऐसा, ये दोनों इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, और ये लास्ट में, रोटर के लास्ट में एंड रिंग्स होते हैं जो क्या करते हैं, रोटर वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट करते हुए एक रिटर्न पाथ देते हैं। तो रोटर में
एंड रिंग्स एंड जो उसका सेप होता है स्क्वायरल केक की तरह होता है। उसके कंस्ट्रक्शन को अगर हम डिटेल से देखेंगे तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे मेन पार्ट हो गया वो रोटर, उसके बाद क्या है स्टेटर, ये पार्ट। उसके स्टेटर में ही आर्मेचर वाइंडिंग होती है एंड देन स्टेटर की वाइंडिंग स्टेटर में ही होगी, रोटर की वाइंडिंग रोटर में होगी, मोटर शाफ्ट जो कि थ्रू आउट कनेक्शन होता है, कूलिंग फैंस जो मोटर हीटिंग को कम करने के लिए कूलिंग फैंस का इस्तेमाल करते हैं, हाउसिंग और योक जिसे केसिंग भी बोलते हैं। तो ये हो गया सिंपल कंस्ट्रक्शन। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टेटर के बारे में। जैसा कि आप फिगर में भी देख सकते हैं स्टेटर जो होता है सबसे आउटर पार्ट होता है जो स्टैटिक होता है, फिक्स होता है, ये स्टेटर। ये स्टेटर का जो कोर होता है, चूँकि स्टेटर में वाइंडिंग किया हुआ रहता है, आर्मेचर वाइंडिंग होते हैं, स्टेटर के कोर को लेमिनेटेड किए हुए रहते हैं, उससे क्या होता है ईडी करंट लॉसेस कम होते हैं। आप हमारे ट्रांसफार्मर के लेक्चर में देख सकते हैं कि जब हम कोर को लेमिनेशन करते हैं तो ईडी करंट लॉसेस कम हो जाता है। नेक्स्ट है इसमें हम लोग आगे देखते हैं स्लॉट, जो वाइंडिंग होती है स्टेटर में कट किया हुआ रहता है, स्लॉट्स में कटिंग होती है स्टेटर में, आप देख सकते हैं ये सब जो कटिंग किया हुआ है इसी में वाइंडिंग होती है और इसी में वाइंडिंग को स्टेटर वाइंडिंग कहते हैं, और इसी वाइंडिंग को हम लोग मेन वाइंडिंग या फिर स्टेटर वाइंडिंग भी कहते हैं। स्टाम्पिंग जो ये होती है वाइंडिंग की वो बनी होती है सिल्कन स्टील से, आयरन के साथ सिल्कन स्टील का हम लोग यूज करते हैं और इसके इस्तेमाल से हमारे हिस्टेरेसिस लॉसेस जो होता है स्टेटर में वो, तो ईडी करंट को कम करने के लिए हम लोग क्या लेमिनेशन यूज करते हैं और हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए मटेरियल में सिल्कन का इस्तेमाल करते हैं, सिल्कन स्टील का इस्तेमाल करते हैं, सेम एज ट्रांसफार्मर। अच्छा एक बात कहना भूल गया कि जो लोग हमारे हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं उनसे निवेदन है कि एक्चुअली इंग्लिश में ही स्क्रिप्ट है बट जो लिखा हुआ है वही मैं बोल रहा हूँ, जो बातें लिखी हुई है उसको मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, तो आप जो हमारी बातें हैं उसको ध्यान से सुनिए और फिगर से और जो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसे समझने की कोशिश कीजिएगा, कोरिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। इंग्लिश में लिखी हुई बातें वही है जो मैं कह रहा हूँ। आगे चलते हैं हम लोग स्टेटर वाइंडिंग की तरफ, स्टेटर के बारे में पढ़ लिया अब स्टेटर वाइंडिंग की तरफ हम लोग देखते हैं। तो स्टेटर वाइंडिंग जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टेटर वाइंडिंग जो में दो वाइंडिंग होती है, एक मेन वाइंडिंग और एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग। जो मेन वाइंडिंग है वो यहाँ है और एक है ऑक्सिलरी वाइंडिंग जिसको स्टार्टिंग वाइंडिंग भी बोलते हैं, वो यहाँ है। तो स्टेटर मोटर के स्टेटर में कंसेंट्रिक कॉयल से वाइंडिंग की जाती है और ये वाइंडिंग, अब हम लोग रोटर को देखते हैं। जैसा कि फिगर में आप देख रहे होंगे नीचे हमारा स्टेटर है, ये स्टेटर है और ये इसकी स्टेटर वाइंडिंग है और ये हमारा रोटर है, ये पूरा पोर्शन जिसमें आप तो देख रहे होंगे कि जो रेड कलर का बैकग्राउंड है उसमें व्हाइट कलर का जो स्लॉट है वो स्क्यूड है। स्क्यूड का मतलब है कि हल्का सा टेढ़ा है, बेंड किया हुआ है, ये देखिए ऐसे ऐसे है ये पूरी रोटर में। तो इस तरीके से रोटर की वाइंडिंग की हुई रहती है। ये क्यों होती है, ये मैग्नेटिक लॉकिंग से बचने के लिए और रोटर के स्मूथ रनिंग को प्रोवाइड करने के लिए ये वाइंडिंग की हुई होती है। जैसा कि मैंने बताया कि रोटर के जो स्लॉट्स होते हैं, रोटर में जो स्लॉट्स है वो स्क्यूड होता है और एक एंगल पे ये स्क्यूड होता है, ये टेढ़ा होता है ऐसे। क्यों होता है, मैग्नेटिक लॉकिंग को अवॉइड करने के लिए और रोटर का जो रोटेटिंग स्पीड है वो उसको मेंटेन करने के लिए। आगे चल के जब इंडक्शन मोटर का ऑपरेशन बताएंगे तो उसमें ये सब कवर कर लेंगे कि कैसे हम लोग इसको स्क्यूड करने से रोटर की जो रनिंग है वो स्मूथ होती है। रोटर के एंड में एंड रिंग्स होता है, एंड रिंग एक रिंग होता है जो लास्ट में दिया हुआ रहता है, वो सारे वाइंडिंग को कनेक्ट करने के लिए और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, इसको एक मजबूती प्रदान करने के लिए एंड रिंग का इस्तेमाल करते हैं रोटर के एंड में। अब हम लोग देखते हैं कि जो इंडक्शन मोटर है उसका ऑपरेशन का प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पर ये ऑपरेट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंडक्शन मोटर में स्टेटर में हम लोग एसी सप्लाई देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, सिंगल फेज इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं। जब हम लोग ये सिंगल फेज एसी करंट प्रोवाइड करते हैं स्टेटर वाइंडिंग में तो एक एयर गैप में यानी रोटर और स्टेटर के बीच में एयर गैप होता है, ये बीच का एरिया रोटर और स्टेटर के बीच में एयर गैप होता है। इस एयर गैप में रोटेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, हमने पिछले लेक्चर में भी ये कवर कर लिया है। और ये जो रोटेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जो स्पीड होता है वो सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होता है और इसका फार्मूला हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा है कि इसका फार्मूला होता है 120 एफ बाई पी, यानी जहाँ पे एफ क्या है फ्रीक्वेंसी है और पी क्या है नंबर ऑफ पोल है, यानी ये जो रोटर रोटेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुआ है एयर गैप में स्टेटर रोटर के बीच में वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर सप्लाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है और नंबर ऑफ पोल रोटर का जो जितना नंबर ऑफ पोल होगा
उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर फोर पोल मोटर है तो 120 f/4, 120 इंटू अगर फ्रीक्वेंसी 50 है तो 120 × 50/4। इस तरीके से उसकी जो सिंक्रोनस स्पीड होती है, इसकी जो स्टेटर में एसी करंट फ्लो कराने के बाद जो रोटेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक है, या फिर उसको स्टेटर फ्लक्स भी बोलते हैं या मेन फ्लक्स भी कहते हैं, और इसी मेन फ्लक्स की जो स्पीड होती है वो सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होती है। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड में स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर जो मेन फ्लक्स है उसका बिहेवियर हमने देख लिया, वो सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है। अब रोटर में क्या होता है, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर में जैसा कि हम जानते हैं कि रोटर में हम लोग डीसी सप्लाई देते हैं, बट इंडक्शन मोटर के केस में रोटर में हम कोई सप्लाई नहीं देते। ये आप ध्यान दीजिएगा, एमसीक्यू में आते हैं क्वेश्चन। सिंक्रोनस मोटर में डीसी एक्साइटमेंट देते हैं, इसलिए सिंक्रोनस मोटर को डबल एक्साइटेड मोटर बोलते हैं। इंडक्शन मोटर में सिर्फ और सिर्फ स्टेटर में सप्लाई देते हैं। तो जैसा कि इस डायग्राम को देख रहे होंगे, इस इलेक्ट्रिकल डायग्राम को देख रहे होंगे, तो ये एक आर है, वाई है, बी है और वाई है। ये एक थ्री फेज सप्लाई दिया हुआ है और ये एक रोटर है, ठीक है। स्टेटर से जो फ्लक्स बना वो फाई है। अब क्या होता है कि रोटर के साथ फ्लक्स कटिंग एक्टिविटी होती है और वो फ्लक्स कटिंग एक्टिविटी रोटर के स्पीड पर डिपेंड करती है। मतलब ये कि जब एक मैग्नेटिक फील्ड है, जब एक मैग्नेटिक फील्ड में, ध्यान से इसको समझिएगा, जब एक मैग्नेटिक फील्ड में किसी रोटर को हम रोटेट कराते हैं, रोटर में क्या है, कंडक्टर है, जो वाइंडिंग किए हुए हैं वो कंडक्टर है। तो जब एक मैग्नेटिक फील्ड में रोटर को रोटेट कराते हैं तो उस रोटर के कंडक्टर के साथ फ्लक्स कटिंग, जो मैग्नेटिक फ्लक्स बना है वो फ्लक्स कटिंग एक्टिविटी होती है, ठीक है। फ्लक्स का कटिंग होता है, जो स्टेटर का फ्लक्स होता है वो रोटर के स्पीड के कारण कट होता है, जिसके कारण रोटर में फैराडे लॉ के अनुसार इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है। और चूंकि रोटर का सर्किट एंड रिंग से क्लोज्ड है तो वो इंड्यूस्ड वोल्टेज के कारण इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है रोटर में, और उस करंट के कारण जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है उसके अनुसार एक तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स का, एक तरफ करंट का, तो तीसरे जो उसका थंब होगा वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ आपका रोटर उसको दिखाएगा। तो यानी स्टेटर की जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ रोटर की स्पीड से जो फ्लक्स कटिंग एक्टिविटी होती है, फ्लक्स कटिंग होता है, फ्लक्स का जो इंट्रैक्शन होता है, उस कारण से रोटर में मैग्नेटिक फील्ड सॉरी वोल्टेज, इंड्यूस्ड वोल्टेज जिसको ईएमएफ बोलते हैं, वो इंड्यूस होता है और उसके कारण रोटर में करंट फ्लो होता है रोटर वाइंडिंग में, और रोटर वाइंडिंग करंट फ्लो होने के कारण रोटर का अराउंड रोटर फ्लक्स बनता है। तो एक फ्लक्स हमारा बन गया स्टेटर फ्लक्स और एक फ्लक्स बन गया रोटर फ्लक्स। ये जो रोटर फ्लक्स है वो स्टेटर फ्लक्स के इंडक्शन के कारण बना है, इसीलिए इसको इंडक्शन मोटर कहते हैं। तो इंडक्शन मोटर का जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल वो यही है कि इंट्रैक्शन बिटवीन मेन फ्लक्स एंड रोटर फ्लक्स, टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन मोटर एंड इट स्टार्ट्स रोटेटिंग। यानी कहने का सिंपल सा मतलब यह है कि स्टेटर फ्लक्स, जो स्टेटर वाइंडिंग में एसी करंट देने के साथ स्टेटर फ्लक्स बनता है जो सिंक्रोनस स्पीड पर घूमता है, और रोटर को जब हम मूव कराते हैं, घुमाते हैं, रोटेट करते हैं, तो रोटर में जो वोल्टेज इंड्यूस करने के कारण जो करंट इंड्यूस होता है, उस करंट के फ्लो होने के कारण जो रोटर फ्लक्स होता है, तो इंडक्शन मोटर के केस में जो रोटर और स्टेटर के बीच में जो एयर गैप होता है, उस एयर गैप में दो फ्लक्स होते हैं, एक मेन फ्लक्स और एक रोटर फ्लक्स। ये दोनों फ्लक्स के इंट्रैक्शन के कारण टॉर्क डेवलप होता है रोटर के ऊपर, और उसी टॉर्क से इंडक्शन मोटर घूमता है, मूव करता है। यही कंप्लीट इसका प्रिंसिपल है। अब इसमें एक छोटी सी बात है, वो ये है कि चूंकि रोटर में इंडक्शन के कारण रोटर फ्लक्स बना और उसी रोटर फ्लक्स के इंट्रैक्शन के कारण मोटर मूव करता है, तो इसलिए इसको इंडक्शन मोटर कहते हैं। अब ये अभी तक हम लोग जान चुके थे कि टॉर्क जनरेट हो गया, ठीक है ना। अब ये जो स्टार्टिंग टॉर्क हो, अगर मोटर के ऊपर लोड लगा हुआ है, मैकेनिकल शाफ्ट से जुड़ा हुआ है, तो अगर ये जो स्टार्टिंग टॉर्क हुआ है, जो जनरेट हुआ है, ये टॉर्क अगर लोड टॉर्क से ज़्यादा होगा तो रोटर क्या होगा, घूमना शुरू करेगा और उसका स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर ये टॉर्क लोड टॉर्क से कम होगा तो ये मोटर चलेगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। तो जैसे जैसे मोटर स्पीड होगा, जैसे जैसे टॉर्क बढ़ेगा वैसे वैसे मोटर का स्पीड जो है वो बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे मोटर स्पीड बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे मोटर स्पीड, रोटर का स्पीड बढ़ता जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कटिंग जो रोटर के कंडक्टर के साथ हो रहा है वो घटता जाएगा, जिसके कारण इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो डिक्रीज होगा और टॉर्क का रिडक्शन होगा, यानी टॉर्क कम होता जाएगा। यानी सिंपल सा मतलब है कि अगर रोटर का स्पीड ज़्यादा होगा, अगर रोटर का स्पीड जो है वो ज़्यादा होगा
तो टॉर्क जो है वो कम होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर स्पीड ज्यादा होगा तो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के स्पीड के जो रिलेटिव डिफरेंस है वो कम होगा, और जितना कम होगा उतना ही फ्लक्स कटिंग एक्टिविटी कम होगी, और फ्लक्स कटिंग कम होने की वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कम होगा, कम करंट फ्लो होगा तो कम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा तो टॉर्क भी कम होगा, सिंपल सी बात है। आगे हम लोग चलते हैं कि ये स्पीड जो है वो धीरे 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 क्या होता है, जनरेट जो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क है वो धीरे 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 क्या होता है, लोड टॉर्क तक पहुंच जाता है, और जैसे ही ये जो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क है लोड टॉर्क के बराबर हो जाता है तो रोटर का स्पीड बढ़ना, रोटर का जो स्पीड है, जो रोटेशन है वो बढ़ना बंद हो जाता है, और रोटर कांस्टेंट स्पीड पे घूमने लगता है। ठीक है, यही हमारा इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल है। तो हमने लोड के साथ ये चीजें समझ लिया। अब अगर इमेजिन करते हैं कि रोटर के ऊपर कोई लोड नहीं है तो उसको नो लोड टॉर्क कहते हैं, यानी रोटर रोटर के ऊपर कोई लोड नहीं लगा हुआ है और लॉसेस नहीं है। ठीक है, रोटर के अंदर कोई लॉसेस नहीं है तो रोटर का जो स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाएगा, यानी रोटर के ऊपर कोई टॉर्क नहीं है, यानी रोटर के ऊपर कोई लोड नहीं है और रोटर के ऊपर लॉसेस भी नहीं है तो रोटर का स्पीड होगा वो सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाएगा, और जब सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाएगा तो रोटर का स्पीड और मैग्नेटिक फ्लक्स जो एयर गैप में स्टेटर के सप्लाई के कारण जनरेट हुआ है उसके बीच में कोई फ्लक्स कटिंग एक्टिविटी होगी ही नहीं, और इसी कारण से जो ईएमएफ जो बनेगा वो जीरो बनेगा, कोई ईएमएफ जनरेट ही नहीं होगा। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस समय इस पॉइंट पे जब रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड हो जाता है तो रिलेटिव मोशन बिटवीन स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर का जो कंडक्टर का रोटर का जो स्पीड है उसके बीच में जो रिलेटिव यानी डिफरेंस वो जीरो हो जाता है, जिस कारण से करंट इंड्यूस जीरो होता है, और जब करंट इंड्यूस जीरो हो जाता है तो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क नहीं बनता है, इसलिए रोटर जो है वो घूमना बंद कर देता है। यानी सिंक्रोनस स्पीड अगर रोटर पहुंच गया तो रोटर घूमना बंद कर देगा, यही है। इसको हम लोग और देखेंगे आगे चल के। हम लोग ये जानते हैं कि इंडक्शन मोटर को सिंक्रोनस मोटर नहीं कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इंडक्शन मोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं घूमता है। जैसे प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने बताया है कि अगर रोटर सिंक्रोनस स्पीड पे घूम गया तो उसके रोटर के ऊपर टॉर्क जनरेट होना जीरो हो जाएगा, और जब जीरो हो जाएगा तो रोटर रुक जाएगा, स्टैंड स्टिल पोजीशन में चला जाएगा, वो मूव नहीं करेगा क्योंकि उसके ऊपर टॉर्क ही नहीं जनरेट हो रहा है, टॉर्क ही नहीं बढ़ रहा है। तो यही कहा गया कि इन रियलिटी वो आइडियल कंडीशन था कि रोटर नो लोड कंडीशन हो, रोटर के ऊपर कोई लॉसेज ना हो, बट रोटर के ऊपर फ्रिक्शन तो होता ही है, एयर में रेजिस्टेंस होता है और कुछ ना कुछ आयरन लॉसेस होते हैं जो ईडी करंट लॉसेस और हिस्टेरेसिस लॉसेस होता है, तो उस लॉसेस के कारण रोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पर पहुंच ही नहीं पाता है, जिस कारण से फ्लक्स कटिंग एक्टिविटी रोटर और मैग्नेटिक फील्ड जो स्टेटर के कारण जनरेट हुई है उसके अंदर कंटिन्यूअस होती रहती है, और इसी कारण से जो रोटर और रोटर की जो स्पीड है वो मैग्नेटिक जो स्टेटर में सप्लाई के कारण जो स्टेटर का मैग्नेटिक फ्लक्स का जो रोटेटिंग स्पीड है वो रोटर के स्पीड के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और इसी डिफरेंस को कहते हैं स्लिप। ये ध्यान दीजिएगा, ये एग्जामिनेशन में बहुत आता है एमसीक्यू में, डिफरेंस बिटवीन रोटेटिंग फील्ड या फिर डिफरेंस बिटवीन एयर गैप फ्लक्स एंड रोटर स्पीड इज कॉल्ड स्लिप, और ये जो स्लिप है वो आगे चल के आपको टॉर्क स्लिप कर्व में समझ में आएगा कि ये स्लिप का क्या कंसेप्ट है। तो स्लिप क्या है? नथिंग बट स्लिप इज अ डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड ऑफ अ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर स्पीड, यानी एन एस माइनस एन आर, और इसी कारण से जो रोटर का स्पीड होता है वो कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं पहुंच पाता है, उससे थोड़ा सा कम होता है, इसी कारण से सिंक्रोनस मोटर को इसी कारण से इंडक्शन मोटर को असिंक्रोनस मोटर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है। और अब अभी 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 मैंने बताया कि जो रोटर का स्पीड होगा वो सिंक्रोनस स्पीड से 1 माइनस एस होगा, एस क्या है? स्लिप, यही है स्लिप, एन एस नहीं होगा, एन एस इंटू 1 माइनस एस होगा, और एस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी 1 में से अगर हम कुछ कम करें तो एन एस की वैल्यू एन एस से कम होगी, तो सिंक्रोनस स्पीड से रोटर की मोटर इंडक्शन मोटर की स्पीड हमेशा कम होती है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखिएगा, रोटर की स्पीड क्या होता है, रोटर की स्पीड एन आर इज इक्वल टू एन एस इंटू 1 माइनस एस। इससे बहुत से एमसीक्यू आपके बनेंगे। लोग आगे पढ़ते हैं कि स्लिप क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि स्लिप इंडक्शन मोटर में रिलेटिव स्पीड बिटवीन रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो स्टेटर में एसी सप्लाई के कारण जनरेट होता है एंड रोटर का अपना स्पीड, उसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को स्लिप कहते हैं, और इंडक्शन मोटर के केस में स्लिप जो होता है वो कभी जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो अगर एनएस जो है वो सिंक्रोनस स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स,
ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ध्यान से इसको पढ़ेंगे, हिंदी वाले प्लीज, मैं बोलता जा रहा हूँ। एन एस जो है वो सिंक्रोनस स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, और एन आर जो है वो रोटर का स्पीड है। तो अगर एन एस और एन आर दिया रहे तो जो स्लिप की वैल्यू आएगी वो ये होगी, स्लिप इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर डिवाइड बाई एन एस। यानी इसका मतलब ये हो गया कि सिंक्रोनस स्पीड ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड माइनस रोटर की स्पीड डिवाइड बाई सिंक्रोनस स्पीड ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, इसी को स्लिप कहते हैं। सिंपल सा हो गया कि इन दोनों के बीच में एन एस और एन आर का रिलेटिव स्पीड ही स्लिप कहलाया। और इससे बहुत से मैंने एमसीक्यू आते हैं, इसमें ढेर सारे एमसीक्यू आते हैं स्लिप निकालने के लिए। स्लिप दिया रहेगा, रोटर का स्पीड निकालना पड़ेगा। इसी को हम लोग आगे समराइज कर देते हैं कि रोटर की स्पीड जो होती है वो हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है। इंडक्टर इंडक्टर मोटर के केस में, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के केस में, रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से हमेशा कम होती है। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि स्लिप की वैल्यू हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में होती है। स्लिप की वैल्यू इंडक्शन मोटर के केस में हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। और तीसरा, सिंक्रोनस स्पीड की जो वैल्यू होती है वो 120 f/p रिवोल्यूशन पर मिनट होती है। ठीक है, तो ये तीन ऑब्जर्वेशन अभी तक हम लोग पढ़े। और ये जो सिंक्रोनस स्पीड होती है वो रोटर की नहीं होती है, स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड की होती है। ठीक है, एक एक करके धीरे धीरे समझा रहे हैं। अब हम लोग आते हैं कि स्लिप जीरो क्यों नहीं होता है। हालांकि हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, इसको हम लोग समराइज कर देते हैं कि जीरो स्लिप का मतलब हो गया रोटर स्पीड जो है वो सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाए। स्लिप जीरो का मतलब सिंपल से हो गया कि एन एस माइनस एन आर इज इक्वल टू जीरो, यानी एन एस इज इक्वल टू एन आर। इसको ऐसे कर लेते हैं, जैसा कि हम लोग जान लेते हैं कि स्लिप इज इक्वल टू क्या होता है, एन एस माइनस एन आर डिवाइड बाई एन एस। जब इसको जीरो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, एन एस इज इक्वल टू एन आर हो जाएगा। यानी रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाती है। यानी जब स्लिप जीरो देवे इसका मतलब है कि रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से बराबर हो गई है। अगर रोटर सिंक्रोनस स्पीड से रोटेटिंग फील्ड के डायरेक्शन के साथ अगर रोटेट करने लगे तो उस केस में क्या होगा कि फ्लक्स कटिंग एक्शन रोटर कंडक्टर और मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में फ्लक्स कटिंग एक्शन नहीं होगा, और इस कारण से रोटर के कंडक्टर पे कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। यही चीज लिखा हुआ है कि जब ये सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाए तो नो फ्लक्स कटिंग एक्शन और नो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन रोटर कंडक्टर, देन नो करंट इन रोटर कंडक्टर। और जब कोई करंट नहीं है तो नो डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, कोई टॉर्क डेवलप होगा ही नहीं। और जब टॉर्क डेवलप नहीं होगा तो इंडक्शन मोटर का रोटर घूमेगा ही नहीं। इसी कारण से क्या होता है कि जब सिंक्रोनस स्पीड जब आ जाए यानी स्लिप जीरो हो जाए तो रोटर घूमता ही नहीं है, इसलिए कभी भी इंडक्शन मोटर का स्लिप जो है वो जीरो नहीं हो सकता है। अब ये भी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं कि इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर क्यों नहीं रन करता है। इसको बस समराइज करके हम लोग देख लेते हैं कि रोटर कंडक्टर में रोटर करंट तभी फ्लो होता है जब उसके ऊपर वोल्टेज इंड्यूस हो, और वोल्टेज इंड्यूस तभी होता है जब रोटर स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड जो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड का है उसके बीच में डिफरेंस हो, स्लिप एग्जिस्ट करे। ठीक है, स्लिप एग्जिस्ट नहीं करेगा तो दोनों के बीच में कोई रोटर के ऊपर कोई वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा स्लिप होगा यानी रोटर स्पीड और स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा टॉर्क उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, और जब स्लिप जीरो हो जाएगा तो टॉर्क भी जीरो हो जाएगा, तो मोटर मूव ही नहीं करेगा। आइडियल केस कहता है कि जीरो फ्रिक्शन होना चाहिए, जीरो लॉसेस होना चाहिए, बट वो होता नहीं है। इसी कारण से मोटर के पास कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है, कुछ ना कुछ लॉसेज है, जिसके कारण जो उसकी स्पीड है वो कभी भी सिंक्रोनस मोटर के बराबर नहीं हो पाती है और हमेशा उससे कम होती है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी को रिपीट कर। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टॉर्क स्लिप कर्व, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको अगर समझ गए तो मोटरिंग इंडक्शन मोटर कंप्लीट हो गया। देखिए, जो टॉर्क स्लिप कर्व है उसको तीन डिवीजन में बांटा गया है। पहला डिवीजन ये है, इसको बोलते हैं ब्रेकिंग रीजन। दूसरा डिवीजन ये है, इसको बोलते हैं मोटरिंग रीजन। और तीसरा डिवीजन ये, इसको बोलते हैं जनरेटिंग रीजन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो जो हमारा मेन जो बीच वाला पोर्शन है, ये जो डायग्राम है, इसी को हमको पढ़ना है, क्योंकि इंडक्शन मोटर में यही इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक एक करके। इस कर्व को समझने से पहले हम लोग स्लिप का कुछ कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं कि स्लिप जब जीरो हो तो क्या होगा, स्लिप वन है तो क्या होगा। ठीक है ना, तो स्लिप जीरो का मतलब हो गया कि रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो गई। ठीक, रोटर स्पीड इज इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड ऑफ मैग्नेटिक रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, स्लिप वन, बाकी सब चीजें बाद में सब एक्सप्लेन कर देंगे। स्लिप वन इज इक्वल टू क्या हो गया कि रोटर की स्पीड जीरो, यानी एन आर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, स्लिप जीरो का मतलब
एन एस इज इक्वल टू एन आर, और स्लिप वन का मतलब क्या हो गया, एन आर इज इक्वल टू जीरो, यानी रोटर की स्पीड जीरो हो गई, और स्लिप जीरो का मतलब रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो गई। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि अगर एस पॉजिटिव हो यानी स्लिप पॉजिटिव हो इसका मतलब क्या होता है। अगर स्लिप निगेटिव है इसका मतलब यह हो गया रोटर की स्पीड स्टेटर मैग्नेटिक फ्लक्स की जो रोटेशन है उसकी स्पीड से ज्यादा है। ठीक है, फिर से समझिए, स्लिप नेगेटिव होने का मतलब यह हुआ कि रोटर का स्पीड, स्लिप नेगेटिव होने का मतलब यह हुआ कि एनआर की वैल्यू एनएस से ज्यादा है। ठीक है, हम लोग स्लिप इक्वल टू क्या जानते थे, एनएस माइनस एनआर डिवाइड बाई एनएस, तो एनआर की वैल्यू ज्यादा है तभी तो नेगेटिव होगी, और एनआर की वैल्यू क्या मतलब कि रोटर का स्पीड स्टेटर मैग्नेटिक फ्लक्स की स्पीड से जो कि सिंक्रोनस स्पीड है उससे ज्यादा हो, यानी रोटर सिंक्रोनस स्पीड से भी ज्यादा घूम रहा है। और ये कब होगा, जब रोटर को हम एडिशनल किसी शाफ्ट से लगा के और तेजी से उसको घुमा दें। ठीक है, और इस मैकेनिज्म को बोलते हैं इंडक्शन जनरेटर। ठीक है, ये जब जनरेटर पढ़ाएंगे तब क्लियर हो जाएगा। इतना समझिए कि अगर स्लिप, फिलहाल इतना समझिए कि अगर स्लिप नेगेटिव है तो यानी रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा है, अगर रोटर की स्पीड पॉजिटिव है और वन से ज्यादा है तो समझ लीजिए कि रोटर का डायरेक्शन अपोजिट हो चुका है। मैग्नेटिक फ्लक्स वन से ज्यादा कैसे होगा, आप स्लिप का जब वैल्यू देखेंगे तो स्लिप इज इक्वल टू क्या होता है, एन एस माइनस एन आर डिवाइड बाई एन एस, यानी वन से ज्यादा होने का मतलब है कि एन एस माइनस एन आर की वैल्यू एन एस से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और एन एस से ज्यादा तभी होगा जब ये छूट जाए, एन एस में कुछ जुट जाए, तो एन एस प्लस एन आर हो जाए, यानी एन आर की स्पीड यानी रोटर की स्पीड जो होगी वो फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगे, फ्लक्स के डायरेक्शन में नहीं घूमने लगे। इंडक्शन मोटर में हमेशा रोटर का जो डायरेक्शन होता है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ ही होता है, उसके अपोजिट नहीं होता है। अगर ये अपोजिट चलने लगे यानी स्लिप वन से ज्यादा हो जाता है, और इस रीजन को बोलते हैं ब्रेकिंग रीजन। ठीक है, अब हम लोग उस कर्व पे वापस चलते हैं, एक बार रिवाइज करते हुए उस कर्व पे हम लोग वापस चलते हैं कि स्लिप नेगेटिव का मतलब होता है कि रोटर जो है रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा है, स्लिप अगर वन से ज्यादा है इसका मतलब रोटर की स्पीड रोटेटिंग फ्लक्स की स्पीड के अपोजिट हो रही है, स्लिप अगर जीरो है तो इसका मतलब है कि रोटर सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है, स्लिप वन है इसका मतलब रोटर का स्पीड जीरो है। ठीक है, अब हम लोग इस कर्व को ध्यान से देखते हैं, तो मोटरिंग रीजन में चलते हैं। स्लिप इज इक्वल टू वन है, यहाँ पे स्लिप इज इक्वल टू जब वन है इस पॉइंट पे तो रोटर की स्पीड क्या दी हुई है, जीरो, यानी रोटर एकदम से स्टैंड स्टिल है, रोटर मूव नहीं कर रहा है, उसके ऊपर इतना जो टॉर्क जनरेट हुआ है इसी को कहते हैं स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है, यानी रोटर की स्पीड जब जीरो हो यानी रोटर के ऊपर कोई लोड नहीं है। ठीक है, यानी स्टार्टिंग के समय उस टॉर्क को बोलते हैं स्टार्टिंग टॉर्क। जब रोटर की स्पीड जीरो है स्लिप वन है तो स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप होता है जैसे जैसे रोटर की स्पीड बढ़ती है। ठीक है, जब हम लोग राइट डायरेक्शन में जाएंगे तो रोटर की स्पीड बढ़ेगी, जैसे जैसे ये रोटर की स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, स्लिप कम होगा। देखिए आप स्लिप वन से इधर जा रहा है जीरो की तरफ, रोटर की स्पीड क्या हो रही है जीरो से एन एस की तरफ, ये जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो रोटर की स्पीड बढ़ रही है स्लिप की वैल्यू घट रही है, तो जब स्लिप की वैल्यू घट रही है रोटर की स्पीड बढ़ रही है तो टॉर्क बढ़ रहा है। ठीक है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि रोटर की स्पीड जैसे जैसे बढ़ती है तो इनिशियली स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के बीच में डिफरेंस ज्यादा होगा तो टॉर्क ज्यादा जनरेट होगा, और ये टॉर्क धीरे 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 करके बढ़ता जाएगा, एक पॉइंट पे ऐसा आएगा जब ये जो टॉर्क है वो लोड टॉर्क के बराबर हो जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क के बराबर हो जाएगा, और उसके बाद भी अगर हम रोटर की स्पीड को बढ़ाने लगेंगे तो टॉर्क कम होना शुरू हो जाएगा, और जब रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाएगी तो टॉर्क जीरो हो जाएगा, यानी स्लिप जब जीरो हो जाए यानी रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाए तो टॉर्क जीरो हो जाता है, यही तो हम लोग पढ़े थे पिछले स्लाइड्स में। इसी कारण से रोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं मूव कर घूम नहीं पाता है, रोटेट नहीं कर पाता है, क्यों, क्योंकि अगर वो सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कर गया तो उसकी नेट टॉर्क जो होगी वो जीरो हो जाएगी, और जब नेट टॉर्क जीरो हो जाएगी तो वो रोटेट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम टॉर्क जहां पे जनरेट होता है वहीं पे हम लोग इंडक्शन मोटर का ऑपरेशन को करते हैं, और ये कहां पे होता है, सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा सा कम, स्लाइटली लोअर देन, इसीलिए हम लोग पहले स्लाइड से पढ़ रहे हैं कि इंडक्शन मोटर रोटेट्स ऑपरेट्स नियर टू सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर के नजदीक स्पीड पे काम करता है, सिंक्रोनस मोटर पे कभी नहीं वो काम करता है इंडक्शन मोटर, यही हम लोग शुरू से ही पढ़ रहे हैं, और शुरू से पढ़ाने का पीछे रीजन यही है कि ये समझाने का प्रयास कि इंडक्शन मोटर की स्पीड कभी भी सिंक्रोनस स्पीड के बराबर नहीं होती है, और इसीलिए इसको असिंक्रोनस मोटर कहा जाता है। बाकी के दो रीजन जो जनरेटिंग रीजन है और ब्रेकिंग रीजन है, इन सब में टॉर्क के कैरेक्टरिस्टिक को अभी नहीं पढ़ेंगे, जब हम लोग ब्रेकिंग के बारे में कंसेप्ट को पढ़ेंगे या जनरेटर्स के बारे में भी पढ़ेंगे
उसमें पढ़ेंगे। अभी हम लोग मोटर पढ़ रहे हैं, तो मोटर का हम लोग ये पढ़ रहे हैं। तो दो ऑब्जर्वेशन है, मैक्सिमम टॉर्क नियर टू सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड पर टॉर्क जीरो, और जब रोटेटिंग रोटर की जो स्पीड जब जीरो होती है तो उस समय स्टार्टिंग टॉर्क होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग सिंक्रोनस मोटर के इंडक्शन मोटर के ऑपरेशन के बारे में स्लिप के साथ क्या रिलेशन होता है वो हमने देखा। अब हम लोग इसको स्लिप वाले को फिर से रिपीट कर लेते हैं। जब स्लिप जीरो तो रोटर रोटेट्स ऑन सिंक्रोनस स्पीड, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब रोटर सिंक्रोनस स्पीड पे मूव कर घूमता है, रोटेट करता है, तो फ्लक्स कटिंग जो एक्शन होता है वो नहीं होता है, जिस कारण से रोटर के कॉइल में कोई करंट इंड्यूस नहीं होता है और रोटर का जो फ्लक्स होती है वो कोई कटिंग एक्टिविटी नहीं होती है, जिस कारण से इंडक्शन मोटर के ऊपर कोई टॉर्क डेवलप नहीं होता है। इंडक्शन मोटर जो है सिंक्रोनस मोटर के स्पीड पे चल जाए तो टॉर्क जीरो हो जाता है। जब स्लिप वन है इसका मतलब है कि रोटर जो है वो जीरो है। जब रोटर जीरो है उसके आगे कुछ सोचना ही नहीं है, रोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन में है। आगे हम लोग देखेंगे कि जब रोटर जब स्लिप नेगेटिव है तो क्या हमने पढ़ा था। जब स्लिप नेगेटिव है तो इसका मतलब यह है कि रोटर की जो स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा है, यही बात लिखा हुआ है। और ये तब होगा जब हम लोग इंडक्शन मोटर के रोटर पे एडिशनली हम किसी मैकेनिकल चीज़ों से उसको और तेज़ी से घुमा दें, और जब ऐसा कंडीशन हो जाता है तो मशीन मोटर न बन के जनरेटर बन जाता है। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इंडक्शन मोटर इंडक्शन जनरेटर बन जाता है जब रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा हो जाती है। ये ध्यान दीजिएगा, इंडक्शन मोटर इंडक्शन जनरेटर बन जाता है जब रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, ये सब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेंगे, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछेंगे। जब स्लिप की वैल्यू एक से ज़्यादा होती है, ये तभी होगा जब रोटर को रोटेटिंग फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कराया जाए। इंडक्शन मोटर के केस में हमेशा स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है, बट ब्रेकिंग के केस में इस ऑपरेशन को ब्रेकिंग ऑफ इंडक्शन मोटर कहते हैं, और इसके कारण जो है इंडक्शन मोटर तुरंत ही, ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है, तुरंत उसको रोक देना, तो इस केस में इंडक्शन मोटर तुरंत रुक जाता है। कब? जब स्लिप वन से ज़्यादा हो, और इस केस में वो ब्रेकिंग जोन में चला जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इंडक्शन मोटर का पूरा ऑपरेशन पढ़ा। अब हम लोग ये जानते हैं कि इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जब हम एसी सप्लाई स्टेटर में देते हैं तो फ्लक्स जनरेट होता है, जिसको रोटेटिंग स्टेटर मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, स्टेटर फ्लक्स भी बोलते हैं। तो ये जो फ्लक्स होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू सपोज फाइव एम है। तो एक टू फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम वाइंडिंग करते हैं तो यहाँ से हम करंट को बाहर ले रहे हैं, और क्रॉस का मतलब होता है कि करंट को हम अंदर ले जा रहे हैं, ऐसे ले जाके ऐसे बाहर निकाल लिए, फिर अंदर ले जाके फिर बाहर निकाल लिए, इस तरीके से हम स्टेटर में वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, ये 2D में नहीं समझ में आ रहा, जब 3D डायग्राम रहेगा तब समझ में आएगा। आप इतना समझिए कि यहाँ से हम वाइंडिंग को बाहर निकाल रहे हैं और इस स्लॉट से हम वाइंडिंग में कंडक्टर को अंदर ले जा रहे हैं। तो जब इस तरीके से वाइंडिंग करते हैं तो फ्लक्स जनरेट होगा, और ये फ्लक्स दो पार्ट में थंब रूल के अनुसार ये डिवाइड हो जाता है। ठीक है, हाफ ऑफ फ्लक्स जो है वो अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, तो हाफ ऑफ फ्लक्स इस डायरेक्शन में मूव करता है। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ, टू कंपोनेंट फाइव एम बाई टू, और माइनस फाइव एम बाई टू का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर एक फ्लक्स वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो दूसरा फ्लक्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, और ये दोनों जो है वो सिंक्रोनस स्पीड पे मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टेटर के करंट के कारण ये रोटेटिंग फ्लक्स जनरेट हुआ है। पिछले साइड में हमने देखा है कि स्टेटर फ्लक्स जो है वो सिंक्रोनस स्पीड पे मूव करता है, बट हाफ ऑफ द फ्लक्स जो है वो क्लॉकवाइज में जा रहा है तो दूसरा हाफ ऑफ द फ्लक्स एंटी क्लॉकवाइज में, यानी वो बट जाते हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं फ्लक्स। उस कारण से क्या होता है कि जब आप फ्लक्स टॉर्क स्लिप कर्व को देखेंगे तो एक फ्लक्स के कारण ऐसा टॉर्क डेवलप हो रहा है और दूसरे फ्लक्स के कारण ऐसा टॉर्क डेवलप हो रहा है। जब इन दोनों का मीडियन निकालेंगे, जोड़ेंगे, तो ये नेगेटिव जितना है उतना पॉजिटिव है। दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, जब नो लोड जीरो का मतलब क्या हुआ, रोटर की स्पीड जीरो है, जीरो केस में जितना पॉजिटिव फ्लक्स है उतना नेगेटिव फ्लक्स हो रहा है रोटर के ऊपर, तो नेट फ्लक्स क्या हुआ, जीरो। इसीलिए कहा जाता है कि इंडक्शन मोटर के केस में वो सेल्फ स्टार्ट नहीं है, इसी चीज को लिख के समझाया गया है। बोथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स, फॉरवर्ड फ्लक्स यानी पॉजिटिव फ्लक्स का पॉजिटिव साइकिल से ये टॉर्क, और फ्लक्स के नेगेटिव साइकिल से ये टॉर्क, ये दोनों टॉर्क जब आप जीरो कंडीशन में यानी नो लोड कंडीशन में आप ऐड करेंगे तो नेट टॉर्क क्या होगा, वो जीरो होगा। यही चीज कह रहा है, नेट टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द रोटर एट द स्टार्टिंग कंडीशन है जीरो। इसलिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, स्टार्ट करने के लिए कुछ मैकेनिज्म चाहिए, और वो मैकेनिज्म के हिसाब से सिंगल फेज मोटर को चार पार्ट में बांटा गया है। अब ये स्टार्टिंग मैकेनिज्म क्या होगा, जैसा कि हम जानते हैं कि सिंगल फेज मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं है।
तो इसके लिए हम लोग स्टार्टिंग मैकेनिज्म करते हैं, क्या करते हैं, या तो कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ यूज करके और कैपेसिटर का यूज करके इनिशियली टॉर्क जो है वो जनरेट करते हैं जिससे मोटर स्टार्ट होता है। और इसी बेसिस पे जो हमारा जो सिंगल फेज मोटर का जो स्टार्टिंग का जो मेथोडोलॉजी है उसके बेसिस से सिंगल फेज मोटर को चार, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर पहला, दूसरा कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, तीसरा कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन इंडक्शन मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर एंड पांचवा सेडेड पोल इंडक्शन मोटर। ये सब के बारे में अलग अलग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया बट वीडियो को जरूर देखिएगा, एक एक कंसेप्ट को बहुत ही आराम आराम से समझाया गया। अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो इंडक्शन मोटर में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आप वीडियो को पूरा देखिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो को शेयर जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।